नगपुरा विद्यालय में अर्थशास्त्र और व्यवसाय अध्ययन विषय के शिक्षक ना होने के साथ ही विद्यालय में हो रहे अन्य समस्या से अवगत कराने एबीवीपी ने जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी बातें रख उग्र आंदोलन करने की बात कही। जिले के कई विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों का वितरण अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण से विद्यार्थियों को अध्ययन करने में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नगपुरा में कला संकाय न होने के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। साथ ही नगपुरा विद्यालय में अर्थशास्त्र और व्यवसाय अध्ययन विषय के शिक्षक न होने के कारण विद्यार्थियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एबीवीपी के पदाधिकारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा और विद्यालय एवं विद्यालयों में हो रही असुविधा को जल्द दुरुस्त कराने की मांग की। साथ ही अध्ययनरत विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द सभी विद्यालयों में उचित पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराए जाने की बातें कही। गौरतलब है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले नगपुरा सहित अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है और ज्ञापन के माध्यम से अपनी 6 सूत्री मांग को जल्द पूरा कराने की बात कही है। इस संबंध में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अधिक से जो शहरी क्षेत्र के जो स्कूल है वहाँ पे जैसे जो टीचर हैं वो खुद नहीं पढ़ा रहे, लेकिन बीएड के टीचर से वहाँ पे उनको उनसे क्लास लिया जा रहा है, तो ये क्या सही है? दूसरा ये है कि नगपुरा के जो स्कूल है वहाँ पे अभी तक इकोनॉमिक्स और बिजनेस ये दो विषय के टीचर ही नहीं है वहाँ पे, और कई ऐसे स्कूल है जहाँ पे आर्ट्स सब्जेक्ट बंद कर दिया गया है, और जैसे अभी और भी जैसे कई स्कूल है जहाँ पे बच्चों की बैठने की व्यवस्था नहीं है, बेंच नहीं है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है, ऐसे कई सारे जो मुद्दे हैं जिसको लेके आज हम मैडम को ज्ञापन सौंपे, डीओ सर को ज्ञापन सौंपे, डीओ सर नहीं देते मैम को हम ज्ञापन सौंपे, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर 7 दिनों में मांग पूरी नहीं होती है तो इसको हम लोग उग्र आंदोलन हेतु बाध्य। जो स्कूल में हो रही समस्याएं, नगपुरा स्कूल हो गया, दीपक नगर स्कूल हो गया और रामनगर के बहुत सारी स्कूलें हैं, वहाँ अभी तक पाठ्य पुस्तक जो पढ़ाने के लिए स्टूडेंट के लिए पुस्तक ही नहीं पहुँची और उनका भी टेस्ट लिया जा रहा है और आने वाले 2 महीने बाद उनका एग्ज़ाम, तो बेचारे पढ़ेंगे क्या उस विषय में? बहुत सारे स्कूलों में कला संकाय बंद कर दिया गया उस विषय को लेकर, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित में अपना ज्ञापन आज डीओ ऑफिस में सौंपा। किस तरह की चर्चा हुई, क्या कहा गया? चर्चा हुई है, डीओ सर तो नहीं थे, मैडम से चर्चा हुई, मैडम का आश्वासन प्राप्त हुआ है कि जो भी जितनी भी हमारी मांगे हैं उसको तत्काल प्रभाव से पूरी की जाएगी। क्रांति सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।